लुधियाना के गांव कादर बक्श में पंचायत जमीन की बोली लग रही थी कि तभी वहां नेता विपक्ष एच एस फूलका के पहुंचने से हंगामा हो गया। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। लुधियाना से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित गांव कादर बक्श के पंचायत घर में पंचायत की जमीन की बोली चल रही थी। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक और पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष एच एस फूलका वहां पहुंचे। एच एस फूलका के वहां पहुंचने पर हंगामा हो गया। पंचायत ने फूलका पर गांव के माहौल को खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जबकि फूलका ने कहा कि वो दलितों को उनका हक दिलाने के लिए वहां पहुंचे। दलित परिवारों की शिकायत सी कि उन्हां दी हक दी जमीन 129-130 किले जिहड़ी बनती है उन्हां नहीं दित्ती जांदी, ते विचों पंचायत दे विचों खुद ही ओह जमीन ज्यादातर अपने को रख लैंदे आ। ते मैं इन्हां नूं कहा कि जी तुसीं इह बोली आ जो प्रॉपर पूरी तरीके नाल कराओ, कानून दे मुताबिक कराओ। ते इस करके DDPO साहब अज आया, जिस करके मैं भी आया कि पूरा हक जिहदा बनता जी उहनूं मिलना चाहीदा। इस तरह नहीं कि पंचायत बैठ के आपस दे विच ही करदे, जिन्हों मर्जी जो मर्जी दे। साडे पड़दादे दे नाम 1/4 हिस्से का मालिक असी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਬਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦਕਿ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ 1/4 ਏਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੰਗਾਮੇ ਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੋਏ ਗਾਂਵ ਮੇ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਮੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, SHO ਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਰਸ। ਫੂਲਕਾ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਭੇਂਟ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਦਲਿਤੋਂ ਕੇ ਹੱਕ ਕੇ ਲਈ ਆਗੇ ਆਏ ਹੈ, लेकिन लोगों को वहां पर फूलका का आना नागवार गुजरा। तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया, लुधियाना।